शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्कार, आज मुझे बचपन में स्मरण किया हुआ एक श्लोक ध्यान आ रहा है। विद्या ददाति विनयम्, विनयात् ददाति पात्रताम्, पात्रत्वा धनम् आप्नोति, धनार्धमं ततः सुखम्। अर्थात विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म का कार्य होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सभी सुखों का मूल है विद्या। हमारी भारतीय संस्कृति ने अन्य महत्वपूर्ण संस्कारों की तरह ही विद्या आरंभ को भी एक संस्कार की तरह माना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे यहाँ सदा से विद्या की महत्ता थी, लेकिन समय के साथ साथ इस उन्नत देश पर अनगिनत आक्रमण हुए, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता पर आक्रमण हुए, जिन्होंने शासन व्यवस्था से लेकर हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को भी बदल कर रख दिया। शक्ति रूपेण संस्थिता के इस कड़ी में आज हम सुनेंगे एक ऐसी साधिका की कहानी जिनके कारण आज भारतीय स्त्रियां शिक्षा के उच्चतम मानकों को प्राप्त करते हुए सफलता के आसमान पर अपना परचम लहरा रही हैं। मैं बात कर रही हूँ मराठी की सिद्ध कवियत्री, एक कर्मठ समाज सुधारिका, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की। शक्ति रूपेण संस्थिता। आज जब हम और आप ये कहानी सुन रहे हैं, आज जब स्त्रियों की प्रगति वास्तव में नई पीढ़ी के लिए कोई चुनौती की बात नहीं रह गई, महिलाएं नित्य प्रगति के नए झंडे गाड़ रही हैं, लेकिन कल्पना कीजिए उस समय जब महिलाओं को अधिकार सीमित थे, जब स्त्रियों की जिंदगी घर की चार दीवारी में ही गुजर जाती थी, जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाती महिलाएं वास्तव में समाज से बहिष्कृत कर दी जाती थी, तब किसी स्त्री का शिक्षा लेना और महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षित करना ये बड़े ही साहस के कार्य थे। हम सब समाज के बगैर अपने जीवन यापन के विषय में सोच भी नहीं सकते, लेकिन यदि वही समाज, वही सोसाइटी आप पर कीचड़ उछाले तो सोचिए आपका जीवन कितना कठिन हो जाएगा। सावित्री बाई को बचपन से ही पढ़ने लिखने में विशेष रुचि थी। एक बालिका के रूप में अंग्रेजी किताब के पन्ने पलट रही सावित्री को इस समाज ने कहा था कि पढ़ाई लिखाई पर स्त्रियों का या दलितों का अधिकार नहीं है, और ये कहकर इस समाज ने छोटी सी सावित्री के हाथों से किताब छीनकर भूमि पर फेंक दी। लेकिन उस बालिका ने उसी क्षण यह प्रण ले लिया था कि वो स्वयं तो शिक्षा लेगी ही, वही शिक्षा का अधिकार वो समाज के हर वर्ग को, अंतिम वर्ग की बालिका को भी दिलवाकर रहेगी। सावित्री बाई को उनके पति ज्योतिबा फुले जी से पूरा सहयोग मिला। उन्होंने शुरुआत की सावित्री बाई को शिक्षित करने से। सावित्री जब भी छोटे छोटे लड़कों को स्कूल जाते हुए देखती थी, तब तब उनका हृदय पीछे छूट गई लड़कियों के प्रति संवेदनाओं से भर जाया करता था। उस समय लड़की की पढ़ाई सच पूछे तो किसी अपराध से कम नहीं थी, एक ऐसा अपराध जो समाज के तथाकथित ठेकेदारों की नजरों में अक्षम्य था। देखिए, जब हम समाज के ठेकेदारों की चर्चा यहाँ करते हैं, स्त्रियों की शिक्षा न दिए जाने की बात करते हैं, तो साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये बात एक ऐसे कालखंड की है जब भारत पराधीन था, जब घर से एक लड़की का निकलना उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं था। ऐसे में स्त्रियों को चार दीवारी में रखना
स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखना कहीं ना कहीं पुरानी पीढ़ी का उनकी सुरक्षा के लिए अपनी ओर से बनाया हुआ एक नियम था। लेकिन फिर भी भारतीय समाज व्यवस्था के सुधार की ओर सबसे बड़ा कदम उठाते हुए सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने साथ मिलकर 1 जनवरी 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में पहला कन्या विद्यालय प्रारंभ किया। इस साहस से आहत हुए अहंकारी लोग सावित्री पर कीचड़ फेंककर उनका हौसला तोड़ना चाहते थे। कीचड़ फेंकना मतलब मुहावरा नहीं, उनके शरीर के ऊपर सच में ही कीचड़ फेंका गया। आप सोचिए कि आपके घर की कोई महिला रोज घर से निकले और कुछ लोग प्रतिदिन उस पर जानबूझकर कीचड़ फेंके, ऐसे में या तो आप चुप होकर बैठ जाएंगे या लाठी डंडा लेकर मारपीट करेंगे। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में सावित्री बाई ने अपना हौसला कभी टूटने नहीं दिया। वो अपने बस्ते में एक और साड़ी लेकर स्कूल नियमित जाने लगी। लोगों को कीचड़ से खराब की हुई साड़ी बदलकर वो अपने शिक्षा कार्य को जारी रखती थी। विश्वास कीजिए, आज यदि हम या हमारी बहु बेटियां पढ़ लिख कर अपनी पहचान बना पा रही हैं, तो इसके लिए क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले द्वारा अपने ऊपर फेंके गए उस कीचड़ को अमृत में बदल देने की शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। सावित्रीबाई एक संवेदनशील महिला थी। कई सामाजिक कुरीतियों को देखकर वो व्यथित हो जाती थी। इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का उनका साहस और परोपकार के लिए संपूर्ण जीवन दे देने की उनकी तैयारी प्रणव में थी। उस समय भारत कई सारी ऐसी रूढ़ियों के जंजाल में था जिनके धागों को काटे बिना भारतीय समाज की उन्नति संभव नहीं थी। उदाहरण के तौर पर कई ऐसी गर्भवती युवतियां थीं जो प्रसव से पहले ही परिस्थितिवश विधवा हो चुकी थी। इन युवतियों का जीवन नरक से भी बदतर होता हुआ देखकर सावित्री बाई को बहुत कष्ट होता था और इस कार्य को पूर्णत्व प्रदान करने के लिए उन्होंने स्थापित की दो चीजें, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह और साथ ही साथ एक प्रसूति गृह। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, इसे इस तरह से समझें कि आज भी हमारे देश में प्रतिदिन भ्रूण हत्या की जाती है। एक बालक की चाह में एक बच्चे को जन्मने ही नहीं दिया जाता। आप सोचिए कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम था कि सावित्रीबाई फुले ने उस युग में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाकर यह सुनिश्चित किया कि संतानों को एक उन्मुक्त पवित्र स्वच्छंद परिवेश मिल सके। सावित्री और ज्योतिबा दोनों ने क्रांति की शुरुआत अपने घर से ही की। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के ही एक बच्चे को इस दंपत्ति ने गोद ले लिया था। इस गृह में ऐसे बच्चे आते थे जिनके माता पिता तो थे किंतु स्वीकार नहीं सकते थे। ऐसे बच्चे को सावित्री बाई फुले ज्योतिबा फुले ने गोद लिया। एक कुरीति यह भी फैली हुई थी, विधवा स्त्री के केश काट दिए जाते, इसे विधवा केशवन कहा करते। सावित्री बाई फुले ने विधवा केशवन जैसी समस्याओं के खिलाफ कड़े स्वर में अपनी आवाज बुलंद की। नारायण मेघाजी लोखंडे के नेतृत्व में विधवा केशवन के खिलाफ नाइयों की हड़ताल की गई। इस योजना की कल्पना भी सावित्री ने ही बनाई थी। सावित्री के नाम के आगे क्रांति ज्योति जैसा विशेषण बिल्कुल सार्थक प्रतीत होता है। उन्होंने अपने भी जलती क्रांति की ज्वाला को तब भी जिंदा रखा जब वे स्वयं जल रही थी। जब सावित्री के दत्तक पुत्र को ज्योतिबा फुले के पार्थिव को अग्नि देने के लिए अस्वीकार्य बताया गया, तब हर सामाजिक प्रतिबंध को तोड़ती हुई सावित्री ने अपने पति के पार्थिव शरीर को स्वयं अग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। पति के जाने के दुख से उबरने के बाद वो एक और बार समाज के जागरण का व्रत हृदय में लेकर खड़ी हो गई। इसी दौरान उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने अनेकानेक मराठी रचनाओं से भारतीय समाज को
सुधार के प्रगति के मार्ग दिखाए। अंततः प्लेग के मरीजों की सेवा करती हुई सावित्री भी ब्रह्म में विलीन हो गई। आज की हमारी ये कहानी सावित्री बाई फूले की ये जीवनी हमारी अमूल्य विरासत है। यह हमारा दायित्व है कि इस कहानी को अपने बच्चों, विशेषकर अपनी बेटियों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी जानें कि 200 बरस पहले एक स्त्री ने ऐसी क्रांति की थी कि कलम और कागज को लेकर 21वीं सदी में क्रांति का मोर्चा हमारी बेटियां इसी तरह बढ़ाती जाएं, हमारी कन्याएं वो जान सकें उनके सुखी जीवन के लिए क्रांति की एक ज्वाला उम्र भर जलती रही, तपती रही, लेकिन शांत नहीं हुई। सुनते रहिए यह आवश्यक और रोचक कहानियां, देखते रहिए शक्ति रूपेण संस्थता। वंदे मातरम। शक्ति रूपेण।